हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 4 जनवरी 2019 और ये हमारी 37वीं क्लास है। 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, 1 जनवरी 2 जनवरी और 3 जनवरी का करंट अफेयर्स आप तक लेकर नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं ये वीडियो आप तक नहीं पहुँचा पाया हूँ, लेकिन आज से रेगुलर वीडियो आप तक पहुँच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा बना है? तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बना है बैंक ऑफ बड़ौदा। यह है देना बैंक, विजया बैंक और स्वयं यानी बैंक ऑफ बड़ौदा। यह तीनों को मिलाकर एक बैंक बना है जिसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा, और यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। अच्छा, भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बना है तो पहला और दूसरा कौन सा है? तो पहला है SBI जो भारत का पहला सबसे बड़ा बैंक है, और दूसरा है ICICI, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, और अब थर्ड नंबर पर है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भारत का तीसरा नंबर का सबसे बड़ा बैंक बन गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विश्व अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत को छठा स्थान मिला है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह है 181 लाख करोड़ रुपए, तो इस कारण भारत को विश्व अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में छठा स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रेल विभाग की नई पॉलिसी क्या है? तो रेल विभाग की नई पॉलिसी है गुड्स एंड सर्विस, यानी आप जिस ट्रेन पर चल रहे हैं उसमें जिस कंपनी का विज्ञापन दिया जाएगा, अब जो रेल में है वह उसी कंपनी का सामान भी आपको यूज के लिए दिया जाएगा। यानी जिस कंपनी का ट्रेन पर विज्ञापन होगा उसी कंपनी का प्रोडक्ट भी आप ट्रेन में यूज कर पाएंगे। तो सही ऑप्शन है गुड्स एंड सर्विस, यह रेल विभाग की नई पॉलिसी है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अंडमान निकोबार द्वीप पर कितने द्वीपों के नाम बदले जाएंगे? तो अंडमान निकोबार द्वीप पर कुल 3 द्वीपों के नाम बदले जाएंगे, जिसमें पहला है रॉस आइलैंड, इसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है। दूसरा है नील आइलैंड, इसका नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया है। और जो थर्ड है वह है हैवलॉक, थर्ड जो है वह है हैवलॉक, इसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया है। मैं एक बार आपको फिर दोहरा दूं कि अंडमान निकोबार द्वीप पर कुल 3 द्वीपों के नाम बदले गए हैं। इनमें पहला है रॉस आइलैंड, जिसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है। दूसरा है नील आइलैंड, जिसका नाम बदलकर शहीद आइलैंड कर दिया गया है। और जो थर्ड है वह है हैवलॉक, इसका नाम बदलकर स्वराज आइलैंड कर दिया गया है। ये इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, भारत में ई पासपोर्ट की शुरुआत कब से की जाएगी? तो भारत में ई पासपोर्ट की शुरुआत दिसंबर 2019 में की जाएगी। अब ये ई पासपोर्ट क्या है? तो इसमें हाई सिक्योरिट की एक चिप लगाई जाएगी, जिसमें आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फोटो के साथ फिंगरप्रिंट मौजूद होंगे। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है यह बनाया कहां जाएगा? तो यह नासिक में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। तो भारत में ई पासपोर्ट की शुरुआत दिसंबर 2019 में की जाएगी, इसमें हाई सिक्योरिटी चिप रहेगी जिसका मैन्युफैक्चर नासिक में किया जाएगा, और इस चिप में नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फोटो के साथ फिंगरप्रिंट भी मौजूद रहेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, हाल ही में किस टेबल टेनिस खिलाड़ी पर लगे बैन को हटा लिया गया है? तो हाल ही में टेबल टेनिस के वह खिलाड़ी हैं सौम्यजीत घोष, जिन पर लगे बैन को हटा लिया गया है। तो सही ऑप्शन है सौम्यजीत घोष। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है, बी एड और डी एड की जगह कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा? यह पॉलिसी मध्य प्रदेश में जारी की गई है, जिसमें बीएड और डीएड की जगह ITEP यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यह लॉन्च किया गया है। और यह लॉन्च करने वाला कौन है? तो NCTI यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने इस निर्णय लिया है कि ये बीएड और डीएड अब खत्म करके एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका नाम है ITEP। अच्छा, ITEP का आपको फुल फॉर्म एक बार फिर दोहरा दूं, ITEP का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम।
तो अब मध्य प्रदेश में बीएड और डीएड की जगह इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जापान के सम्राट कौन है? तो जापान के सम्राट हैं जो अभी 30 अप्रैल 2019 को अपना सम्राट का पद छोड़ देंगे, और इनका नाम है अकीहितो। जो जापान के सम्राट हैं वह हैं अकीहितो और नारुहितो, इनकी जगह लेंगे 30 अप्रैल के बाद। 30 अप्रैल के बाद अकीहितो अपना पद छोड़ देंगे और उनकी जगह नारुहितो 30 अप्रैल के बाद जापान के सम्राट होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुदावला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप किसने जीते हैं? तो मुदावला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप जीती है वह है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने यह मुदावला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप जीती है। अच्छा, आप ये बताएं कि नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुड्स रिडेंस डे कहाँ मनाया जाता है? तो गुड रिडेंस डे जो है वह अमेरिका में मनाया जाता है। तो सही ऑप्शन है अमेरिका। यह क्यों मनाया जाता है? तो अप्रिय घटनाओं के भुलाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। लोग चीजें तोड़ते हैं जो साल भर चीजें बुरा करती हैं, ये चीजें तोड़ी जाती हैं इस दिन। तो गुड रिजल्ट से अमेरिका में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित की जाएगी? तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस जालंधर में आयोजित की जाएगी जो हाल ही में शुरू हो गई है। क्या, अच्छा एक और इसके बारे में आपको फैक्ट बता दूं कि यह भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है वह 106वीं बैठक है। यह भारत की 106वीं बैठक है, या भारत विज्ञान कांग्रेस की यह 106वीं बैठक है जो जालंधर में की जा रही है। तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस जालंधर में शुरू हुई है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस कौन है? तो पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस जो है उनका नाम है आसिफ सईद। आसिफ सईद पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम आपके साथ फिर वर्ल्ड और इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।